हेलो दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, अध्याय 14 की ओर पढ़ते हैं। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध नाजी जर्मनी और धुरी राष्ट्रों की फांसीवादी ताकतों के बीच लड़ा गया था। युद्ध में लड़ने के लिए ब्रिटेन को भारत से समर्थन की आवश्यकता थी, लेकिन इसके लिए कांग्रेस ने दो मांगे रखी थी। कौन कौन से? युद्ध के बाद स्वतंत्र भारत की राजनीतिक रचना तय करने के लिए संविधान सभा गठन होगा, और उत्तरदायी सरकार यानी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्थापित किया जाए। 1936 से 44 ईस्वी तक निम्नलिखित वायसराय थे, इन्होंने कांग्रेस की इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव, भारत को स्वयं स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया, इसलिए भारत लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए किए गए युद्धों का हिस्सा नहीं हो सकता। ब्रिटेन में साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहिए, ब्रिटेन को साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहिए और अपने उपनिवेशों में लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए। सरकार को भारत में लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू करने की घोषणा करनी चाहिए। सरकार की प्रतिक्रिया, निम्नलिखितों ने कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लीग और देसी रियासतों का उपयोग करने की कोशिश की। उन्होंने घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य वर्तमान में आक्रामकता का विरोध करना है। जब भी आवश्यकता होगी सलाह लेने के लिए सरकार द्वारा परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में संशोधन के लिए कई समुदायों, देसी रियासतों और प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने का वादा किया गया। कांग्रेस की प्रतिक्रिया, इसने वायस राय के व्यक्तित्व को पुरानी साम्राज्यवादी नीति की पुनरावृत्ति बताकर खारिज कर दिया। फिर इसने युद्ध का समर्थन न करने का फैसला लिया और कांग्रेस के मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए कहा। कांग्रेस नेतृत्व तत्काल साम्राज्यवादी विरोधी जन संघर्ष के खिलाफ था। सरकार की गुप्त कार्य नीति, सरकार के खिलाफ उठने वाले किसी भी आवाज को दबाने और युद्ध में समर्थन हासिल करने के लिए युद्ध की घोषणा से पहले ही भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन करके आपातकालीन शक्तियों को केंद्र के लिए संरक्षित कर लिया गया। यह प्रांतीय विषयों में हस्तक्षेप के संदर्भ में किया गया। नागरिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए भारत सुरक्षा अध्यादेश को लागू किया गया था। कांग्रेस के आंदोलन को रोकने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन अध्यादेश का मसौदा तैयार किया गया था। सरकार युद्ध में समर्थन के लिए भारत में मित्र रियासतों से सैन्य टुकड़ियों को बुला सकती थी। जन आंदोलन पर बहस, तो निम्नलिखितों ने के बयान के तत्काल बाद जन आंदोलन पर चर्चा प्रारंभ हुई। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन होता है तो 1940 में कांग्रेस का संकल्प, कांग्रेस के संगठनात्मक रूप से गठन होने के बाद यदि परिस्थितियां अनुकूल हों तो कांग्रेस पुनः जन आंदोलन का सहारा ले। वामपंथी समूह में सुभाष चंद्र बोस तथा और फॉरवर्ड ब्लॉक CPI CSP चाहते थे कि कांग्रेस जन आंदोलन को तत्काल घोषित करे। नेहरू का रुख, वह सरकार के साम्राज्यवादी चरित्र को देख सकते थे लेकिन वह नाजी जर्मनी की जीत में योगदान नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे कांग्रेस के बहुमत के साथ रहे। पाकिस्तान प्रस्ताव 23 मार्च 1940, इस प्रस्ताव को सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। 23 मार्च 1940 को फजलुल हक ने इसे पेश किया। यह मुस्लिम लीग की कार्य समिति के 25 सदस्यों की ओर से दिया गया एक बयात था जिसका प्रारूप 22 मार्च से 24 मार्च 1940 के बीच तैयार किया गया था। इसने दो राष्ट्र के सिद्धांतों को प्रस्तावित किया, संकल्प में पाकिस्तान का नाम नहीं था। इसे कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे पागलपन भरा विचार कहा। गांधी ने तो दो राष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव, ये 8 मार्च 1940 को आता है। हिटलर की सफलता और बेल्जियम के पतन के बाद ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण अपना लिया। वे युद्ध में भारत का समर्थन चाहते थे, इसलिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित किया। मार्च 1940 में कांग्रेस ने रामगढ़ के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने पर कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। प्रस्ताव के मुख्य उद्देश्य, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की स्थापना करना, वायस राय की कार्यकारी परिषद का विस्तार हो, युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना करना जिसमें मुख्य रूप से भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के आधार पर संविधान निर्माण का फैसला करेंगे, रक्षा, अल्पसंख्यक अधिकार, राज्यों के साथ संधियां, अखिल भारतीय सेवाएं सरकार के अंतर्गत निहित होंगी परंतु इन मुद्दों पर भारत के अधिकारों का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना भविष्य में कोई भी संविधान नहीं अपनाया जाएगा। कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी? मुस्लिम लीग ने आश्वासन का स्वागत किया परंतु इसने दोहराया कि विभाजन एकमात्र समाधान,
ये डिवाइडेशन चाहते ही थे मुस्लिम लीग वाले। महत्व, डोमिनियन स्टेटस का उल्लेख पहली बार स्पष्ट रूप से किया गया था। यह पहली बार था जब संविधान सभा के लिए कांग्रेस की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया और संविधान निर्माण के लिए भारतीयों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। परिणाम, वायसराय कार्यकारी परिषद का विस्तार 12 सदस्यों में से 8 भारतीय सदस्यों के साथ हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना सलाहकार की भूमिका के रूप में की गई। रक्षा, वित्त, गृह जैसे मुद्दों के प्रभार ब्रिटिश सरकार के पास थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये 17 अक्टूबर 1940 को होता है। तो अगस्त प्रस्तावों को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करने का निर्णय लिया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध के प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। अतः व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम मराठ से शुरू हुआ। विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में, जबकि जवाहरलाल नेहरू को दूसरे सत्याग्रही के रूप में मनोनीत किया गया। किसके? गांधी जी के द्वारा। जबकि तीसरे सत्याग्रही वल्लभ भाई पटेल थे। कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्वक मानने के लिए सरकार को एक और मौका दिया गया। यह दिखाने के लिए युद्ध में दिलचस्पी नहीं रखते और राष्ट्रवादी नाजीवादी शासन और दोहरी निरंकुशता के बीच कोई फर्क नहीं समझते हैं। राष्ट्रवादियों का धैर्य उनकी कमजोरी के कारण नहीं था। युद्ध विरोधी घोषणा के प्रसार के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता का मार्ग तलाश करना। दो चरणों में चलने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह को, दूसरा चरण 5 जनवरी 1941 को शुरू हुआ। इस चरण को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा गया। 25,000 लोगों के साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी सी डब्ल्यू सी के सदस्यों को मई 1941 तथा दिसंबर 1941 में गिरफ्तार किया गया। वे जापानी आक्रमण से भारतीय क्षेत्रों का बचाव करना चाहते थे। युद्ध में सहयोग के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा निम्नलिखित मांगों को रखा गया। युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता, सत्ता तत्काल स्थानांतरित किया जाना। फिर गांधी ने बहुत सोच विचारने के बाद सी राजा गोपाल आचार्य के बजाय पंडित नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। चलिए, क्रिप्स मिशन 1942 प्रावधान, डोमिनियन स्टेटस के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और यह संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंध को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। युद्ध के बाद संविधान सभा का प्रांतों चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से और देशी रियासतों का नामित के सदस्यों के साथ गठित की जाएगी। नए संविधान को स्वीकारने की शर्तें, अपना अलग संविधान और एक अलग संघ होने की स्थिति में कोई भी प्रांत भारतीय संघ में शामिल नहीं हो सकता। नई संविधान निर्मात्री सभा तथा सरकार सत्ता हस्तांतरण के लिए संधि का प्रवाचित करेगी। कांग्रेस ये पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। इसने देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचन के बजाय मनोनयन की व्यवस्था का विरोध किया। पृथक होने का अधिकार राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध था। गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख बनाए जाने की मांग को स्वीकार नहीं किया। गवर्नर जनरल का वर्चस्व बरकरार रखा गया। मुस्लिम लीग यह एकल भारतीय संघ के विरोध में थी। यह संतुष्ट नहीं थे क्योंकि इनके प्रावधानों ने मुसलमानों को आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित कर दिया था। इसने संविधान सभा के निर्माण के लिए विधि को अनुमोदित नहीं किया। क्रिस्प मिशन के असफल होने के कारण यह मित्र राष्ट्रों को संतुष्ट करने के लिए हथियार मात्र था। भारत छोड़ो आंदोलन, अगर इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, 1942 को होता है। तो क्रिप्स मिशन के विफल हो जाने के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश की वापसी के लिए एक संकल्प तैयार किया गया था और जापानी आक्रमण के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन किया गया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को CWC की बैठक में प्रस्ताव स्वीकार किया गया। फिर संघर्ष के कारण, तो क्रिप्स मिशन की विफलता ने ब्रिटिश सरकार के अपरिवर्तनीय रवैये को उजागर किया। कांग्रेस नेतृत्व तो चाहती थी कि जनता संभावित जापानी आक्रमण के लिए तैयार रहे। युद्ध में नुकसान के कारण ब्रिटिश शासन के स्वामित्व में विश्वास की कमी, फिर बंगाल, उड़ीसा, असम में ब्रिटेन द्वारा भेदभावपूर्ण भू नीति को अपनाया जाना, बंगाल उड़ीसा में नमक चावल की बढ़ती कीमतों के साथ नावों की जब्ती द्वारा सरकारों की नीतियों और मकसद उजागर हुए, भेदभावपूर्ण भू नीति, तो यह दुश्मन राष्ट्र के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने की एक सैन्य रणनीति है। जैसे बंगाल और उड़ीसा में नावों को जब्त करना, भारत छोड़ो प्रस्ताव,
8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव नेतृत्व नेहरू ने पेश किया था। फिर गांधी जी द्वारा इस पत्र में करो या मरो का मंत्र दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद के प्रमुख गतिविधियां, लोक प्राधिकरण के प्रतीकों पर आक्रमण, भूमिगत गतिविधियां। तो उषा मेहता ने मुंबई से भूमिगत रेडियो स्टेशन की कमान संभाली। बलिया में चित्तू पांडे, तमलुक बंगाल में विद्युत वाहिनी, सतारा में बीई बी चौहान ने बीई बी चौहान और नाना पाटिल आय द्वारा समानांतर सरकारें स्थापित की गई। युवा, महिला, श्रमिक, किसान, सरकारी अधिकारी, विशेष रूप से निचले स्तर के मुस्लिम कम्युनिस्टों ने इस आंदोलन में भाग लिया। उच्च वर्ग अब भी सरकार का वफादार बना रहा। आंदोलन के दौरान कोई सांप्रदायिक झड़प नहीं हुई, लेकिन सरकारी दमन के तहत 10,000 लोग मारे गए। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े प्रमुख महत्वपूर्ण नेता महात्मा गांधी थे। ग्वालियर टैंक में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। इसके बाद 9 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल भारतीयों का सरकार के द्वारा दमन के विरोध में 21 दिनों का अनशन किया। फिर जयप्रकाश नारायण, जो जेपी के रूप में लोकप्रिय थे, इन्होंने योगेंद्र शुक्ल के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल में आजादी के भूमिगत आंदोलन की शुरुआत की। राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफली, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, ये यही बीजेडी वाले, आरपी गोयनका, अच्युत पटवर्धन भूमिगत गतिविधियों से जुड़े नेता थे। चित्तू पांडे, इन्होंने बलिया यूपी में एक समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट बनाई। उन्होंने खुद को गांधीवादी बताया। उषा मेहता, वह एक छोटे समूह का हिस्सा थी जो कांग्रेस रेडियो चलाता था। उन्होंने बॉम्बे में एक भूमिगत रेडियो शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू, शुरू में इन्होंने कट्टर उदारवादियों का समर्थन किया जो गांधी जी की योजना के विरोधी थे। बाद में इन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। रास बिहारी बोस, तो जून 1942 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इन्होंने जापानी बलों द्वारा गिरफ्तार किए गए भारतीय युद्धबंदियों को लामबंद किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का गठन किया। कप्तान मोहन सिंह, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना के प्रमुख सेनापति थे ये। सुभाष चंद्र बोस, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना में 1943 में शामिल हुए। इन्होंने प्रसिद्ध तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं का नारा दिया। इन्होंने आजाद हिंद रेडियो में एक भाषण में गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस के तहत INA ने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री राजा गोपालाचारी एवं भूला भाई देसाई, तो वे स्वतंत्रता के बाद एक जनमत संग्रह के माध्यम से मुसलमान के अलग होने के खिलाफ थे। उन्होंने जुलाई 1942 में कांग्रेस की AICC से इस्तीफा दे दिया। KG मसरूवाला, ये 8 अगस्त 1942 को महादेव देसाई गिरफ्तारी के बाद हुए साधारण जन संबंधी भावनाओं को भड़काने के लिए उग्र मुद्दों को सामने लाए। सतीश सामंत, तो ये स्थानीय कांग्रेस नेता तथा तामलुक जाति सरकार के प्रथम सर्वाधिनायक थे। मिदनापुर के तामलुक सब डिवीजन में विद्रोही सरकार के गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, सतीश सामंत की। फिर लक्ष्मण नायक, तो कोरापुट के जनजातीय तबके को जपोर जमींदारी के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु संगठित किया। इनके नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर आक्रमण किया। नाना पाटिल, सतारा के विद्रोह का नेतृत्व किया। महत्व, राष्ट्रीय आंदोलन के एजेंडे में स्वतंत्रता की मांग को जोड़ा गया। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी, तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें गांधी जी और सरोजनी नायडू को गिरफ्तार कर आगा खा पैलेस में रखा गया। 1943 का काल यह बंगाल के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पड़ा। विशाल सेना को भोजन की आपूर्ति के कारण खाद्यान्नों की आपूर्ति बाधित हो गई। दक्षिण पूर्वी एशिया बर्मा से आयात बंद कर दिया गया। सरकार के कुप्रबंधन से और अधिक ये बढ़ गया। श्री राजा गोपालाचारी फार्मूला 1944 में आता है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को हल करने के लिए श्री राजा गोपालाचारी ने एक फार्मूला प्रस्तुत किया। इसे संवैधानिक संकट को हल करने के लिए लाया गया था। इसके मुख्य बिंदु क्या थे? इसके मुख्य बिंदु थे कि मुस्लिम लीग स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस की मांग का समर्थन करे, केंद्र में एक अंतरिम सरकार बनाने में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग सहयोग करे, एक अलग संप्रभु राष्ट्र के गठन के लिए उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के मुस्लिम बहुल क्षेत्र वाले क्षेत्र के से जनता द्वारा जनमत संग्रह कराया जाए,
यह विभाजन की मांग को स्वीकार किया जाता है तो रक्षा वाणिज्य संचार के लिए संयुक्त रूप से समझौता किया जाता है। ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है, लेकिन सर्वकुण माटी हो गया। यदि ब्रिटिशों द्वारा भारत को पूर्ण शक्तियां दी जाती तो इन शर्तों पर अमल किया जाए। महत्व, इसने मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग केवल उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत के मुसलमानों को वोट देने का अधिकार देना चाहती थी। यह केंद्र में साझा सरकार गठन का विरोधी थी। कौन? मुस्लिम लीग। देसाई लियाकत समझौता 1945 में होता है तो केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस और लीग द्वारा सुझाए गए सदस्यों की संख्या समान हो, अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटें आरक्षित हों। यह दोनों के बीच एक समझौता कराने में विफल रहा, लेकिन इसके बीच समानता का परिचय करा सका। चलिए, लेकिन उनके बीच समानता का परिचय करा सका। बेबेल योजना 1945 में आती है, इसको शिमला समझौता भी कहा जाता है। तो लॉर्ड विस्काउंट बेबेल 1943 में भारत का वायसराय बना। इसने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार थी। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए। कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी। इसे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक कि एक नए स्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं बन जाती। हिंदू और मुस्लिम के लिए एक समान प्रतिनिधित्व। भारत सरकार के प्रावधान 1935 के तहत अंतरिम सरकार के रूप में काम करने के लिए परिषद का पुनर्निर्माण किया गया। यह केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। बेबेल प्रस्ताव पर विचार के लिए शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया। मुस्लिम लीग के प्रतिक्रिया, तो यह जिन्ना की वीटो शक्ति की मांगों को पूरा करने में विफल रही। वे केवल मुस्लिम लीग के मुसलमान सदस्यों को कार्यकारी परिषद के लिए चुनना चाहते थे। यह आशंका थी कि इस व्यवस्था से मुस्लिम लीग की संख्या एक तिहाई रह जाएगी। बेबेल पश्चिमी पंजाब से मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में खिज्र हयात खान को चाहते थे। मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुसलमानों के विरुद्ध कोई भी निर्णय 2/3 बहुमत से पारित हो। कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई कि यह कांग्रेस को विशुद्ध रूप से जातिवादी हिंदू पार्टी का दर्जा देने की कोशिश है। इसने अपने प्रत्याशियों के बीच सभी समुदायों के सदस्यों को शामिल करने के अपने अधिकार पर जोर दिया। अतः अंततः बेबेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा समर्थित आंदोलन, तो वे 1941 में भेष बदलकर भारत से चले गए। 1938 से 1945 तक जर्मनी में रहे। बर्लिन में उन्होंने फ्री इंडिया रेडियो की स्थापना की। भारतीय युद्ध कैदियों के अंतर्गत स्वतंत्रता सेना मुक्ति सेना नाम से एक सैनिक इकाई स्थापित की। उनके द्वारा बर्लिन रेडियो का उपयोग किया गया तथा इसे आजाद हिंद रेडियो कहा जाता था। इसके मुख्यालय को सिंगापुर और फिर रंगून में स्थानांतरित किया गया। टोक्यो सम्मेलन जो मार्च 1942 में होता है, तो राज बिहारी बोस और जवाहर नेहरू ने 1928 में ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम से एक संगठन बनाया। भारत की मुक्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का गठन किया। मोहन सिंह सेना प्रमुख के कमांडर बनने वाले थे। आंदोलन का सम्मेलन का परिणाम, तो बर्मा से मलाया तक रहने वाले सभी भारतीयों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन वे जापानी सरकार के निहित स्वार्थों से आशंकित थे, इसलिए इसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। भारत में भविष्य में बैंकॉक में बैठक का निर्णय लिया गया। बैंकॉक सम्मेलन ये जून 1942 में होता है। इसकी अध्यक्षता राज बिहारी बोस ने की थी। इसमें 34 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अधीन कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु क्या थे? जापानी सरकार को स्पष्ट रूप से भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचाना जाना चाहिए। जापानी सरकार को लीग को भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधि और संरक्षक के रूप में मान्यता देनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय सेना को एक मित्र सेना के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और युद्ध बंदियों को लीग को सौंप दिया जाना चाहिए। इसने स्वतंत्रता के बाद जापान के साथ भारत के संबंधों, उनकी स्वतंत्रता संप्रभुता के बारे में आश्वासन की मांग की। 1943 में जापान में बोस, तो वो ब्रिटिशों को खदेड़ने और भारत की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए जापान सरकार के समर्थन और वादे के लिए मई 1943 में जापान गए। मोहन सिंह के जापानी सरकार के साथ मतभेद के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में INA से हटा दिया गया। बाद में उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। यह कांग्रेस शासन के तहत संसद सदस्य भी बने।
सुभाष चंद्र बोस को जून में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व तो दिया गया था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना की कमान भी संभाली। आजाद स्कूल कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के अंतर्गत एशिया का प्रथम महिला रेजिमेंट हबीबुर रहमान के अधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण स्कूल। स्वतंत्र भारतीयों की अंतरिम सरकार सिंगापुर अक्टूबर 1943। तो सितंबर में सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस के बैनर तले मार्च 1944 में INA ने बर्मा के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। जापान, जर्मनी, इटली, क्रोएशिया, बर्मा, थाईलैंड, चीन, फिलीपींस ने इस अंतरिम सरकार को मान्यता दी। जापानी सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप को इसे दे दिया गया। बाद में इसका नाम बदलकर क्रमशः शहीद द्वीप और सूरज द्वीप कर दिया गया है। 30 दिसंबर 1943 को राष्ट्र ध्वज फहराया गया। इम्फाल की लड़ाई, तो जापान ने INA के साथ मार्च जुलाई 1943 में इम्फाल पर आक्रमण करने और मित्र देशों की सेना को नष्ट करने के कोशिश की। मित्र देशों की सेनाओं द्वारा बर्मा को पीछे धकेल दिया गया। कोहिमा युद्ध, तो ब्रिटिश को घेरने का एक और असफल प्रयास। मई 1945 रंगून को अंग्रेजों ने जीत लिया। सितंबर 1945 जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से विस्फोट कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। आजाद हिंद फौज INA, लाल किला, जुर्माना तो रेड फोर्ट ट्रायल्स। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने 1945 में समर्पण करने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा उन पर निष्ठा के प्रति शपथ तोड़ने पर लाल किले में नवंबर 1945 से मुकदमा चलाने का निर्णय लिया गया। INA के सिपाहियों को बचाने हेतु वकीलों की 17 सदस्यीय आजाद हिंद बचाव समिति का गठन किया गया। इसका नेतृत्व भोला भाई देसाई द्वारा किया गया। सहयोग के लिए तेज बहादुर सप्रू, JL नेहरू, अरुणा सफली काटजू आदि थे। कर्नल गुर बख्श सिंह, कर्नल प्रेम सहगल, मेजर शाह नवाज पर मुकदमा चलाया गया। 12 नवंबर 1945 के आजाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया गया। INA के अधिकारियों को नवंबर 1945 और मई 1946 में दिल्ली के लाल किले पर कोर्ट मार्शल के लिए ले जाया गया। लगभग 10 कोर्ट मार्शल किए गए। भारत के आम चुनाव दिसंबर 1945। तो क्लीमेंट एटली के तहत लेबर पार्टी सत्ता में आई। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत के नए राज्य सचिव नियुक्त हुए। प्रमुख कदम, 10 साल बाद भारत में आम चुनाव की घोषणा। ये चुनाव अंतिम बार 1936 में हुए थे। 91% गैर मुस्लिम सीटें कांग्रेस द्वारा जीती गई। मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। केंद्रीय विधानमंडल में 42 सीटों में कांग्रेस 57 पर सफल रही। 102 सीटों पर 57 में सफल रही। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटों पर जीत हासिल की। मुस्लिम लीग ने सिंध और बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। महत्व, मुस्लिम लीग 1945 के चुनाव के विपरीत इस के विपरीत एक प्रमुख मुस्लिम पार्टी के रूप में स्थापित हुई थी। पृथक निर्वाचक और समिति और सीमित मताधिकार ने चुनावों में सांप्रदायिक मतदान में योगदान दिया। जैसे प्रांत के लिए 10% से कम लोग मतदान कर सकते थे। केंद्रीय विधानसभा के लिए 1% लोग योग्य थे, 1% से कम लोग योग्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, शाही सेना विद्रोह 1946। खराब वेतन, खाद्य और नस्ली भेदभाव के कारण HMIS तलवार के तहत एक विद्रोह शुरू किया गया। ये जहाज था। जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखा और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और CPI के लाल झंडे फहराए जाने के कारण सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे बॉम्बे में हिंसा शुरू हो गई। इसमें 200 लोगों की जान चली गई। सरदार पटेल ने के हस्तक्षेप के हस्तक्षेप से विद्रोह समाप्त हो गया। आश्वासन देने के बावजूद भी विद्रोहियों को मुकदमे का सामना करना पड़ा। महत्व, भारत में 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन योजना ये 24 मार्च 1946 को आती है। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष, बी एलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड। उद्देश्य, अंतरिम सरकार के लिए व्यवस्था करना। स्वतंत्र भारत के संविधान के गठन के लिए तंत्र तैयार करना। कांग्रेस और लीग के मध्य आम सहमति नहीं बन सकी, इसलिए मिशन अपनी योजना के साथ आगे बढ़ गया।
प्रस्ताव भारत एक प्रांत होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी राज्य दोनों शामिल होंगे। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा तथा संचार साधन केंद्र सरकार के अधीन होंगे। मिशन की योजना के तहत संघीय विषयों को छोड़कर शेष विषयों और अपशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। देशी रियासतें जो विषय तथा शक्तियों संघ को सौंप देगी, उससे अतिरिक्त अन्य सभी विषय उसके पास सुरक्षित रहेंगे। अंतरिम सरकार के सभी सदस्य भारतीय होंगे और वायसराय का न्यूनतम हस्तक्षेप होगा। संविधान सभा से अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा के निर्माण हेतु तो प्रत्येक प्रांत की 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि, मतदाताओं के 3 वर्ग थे। सामान्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से 3 समूह, सामान्य, मुस्लिम और सिखों में मतदान। फिर संविधान सभा के 389 सदस्य थे, जिनमें से प्रांतों से 292, मुख्य आयुक्त प्रांत से 4 और 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। सभी विषयों, संघ और अवशिष्ट विषयों को छोड़कर प्रांतों को आवंटित किए गए थे। देशी रियासतों को सभी विषयों और अवशिष्ट विषयों को दिया गया था। वे ब्रिटिश परम सत्ता के अंतर्गत नहीं थे और भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र थे। 3 स्तरीय कार्यपालिका, प्रांतीय विधानसभा, अनुभाग और संघ स्तर पर विधायिका, तीनों वर्गों के तहत प्रांतों का समूहन। समूह ए, समूह का में मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, हिंदू बहुसंख्यक प्रांत। समूह का में पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत। फिर समूह का बंगाल और पंजाब, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत। समूहों के सदस्य अलग से प्रांतों के गठन का फैसला करेंगे। संघ का संविधान पूरे संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना था। पहले आम चुनाव के बाद प्रांत समूह से बाहर आने के लिए स्वतंत्र होंगे। 10 साल बाद प्रांत समूह या संघ के पुनर्विचार के लिए स्वतंत्र होंगे। कांग्रेस अनिवार्य समूहन प्रांतीय स्वायत्तता के अनुरोध के विपरीत था। प्रांतों को समूहीकरण में शामिल नहीं होने देना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने NWFP और असम के प्रांतों पर शासन किया था। देशी रियासतों के नामांकित सदस्य स्वीकार नहीं किए गए थे। आखिर में कांग्रेस ने अनुमति दे दी। मुस्लिम लीग अनिवार्य समूहीकरण की व्यवस्था चाहती थी। यह विभाजन के बाद मजबूत पाकिस्तान के लिए मुस्लिम बहुल प्रांत पर अधिकार चाहते थे। मुस्लिम लीग ने जून में योजना को स्वीकार किया। कांग्रेस ने 24 जून को दीर्घकालिक योजना स्वीकार की। भारत में 16 अगस्त से सांप्रदायिक दंगे बहुत बड़े स्तर पर शुरू हुए, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की शुरुआत की। गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश, कलकत्ता, बॉम्बे, नोआखली, बिहार सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहे। अंतरिम सरकार का गठन तो कांग्रेस द्वारा वायस राय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के पश्चात 12 अगस्त 1946 को बाबेल ने जेएल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रित किया। इस सरकार का गठन मुस्लिम लीग के बिना किया गया था, लेकिन लेकिन बाद में 26 अक्टूबर को उसे इसमें शामिल होने की अनुमति दे दी गई। लीग के 5 प्रतिनिधि, लियाकत अली, आई आई चुंदरीगर, अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्र मंडल, गजनफर अली को शामिल किया गया। अंतरिम सरकार के सदस्य कौन कौन से थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह, सूचना और प्रसारण, राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह, बल है इनके पास रक्षा, सी एच भाभा, ये कार्य खान और ऊर्जा मंत्री थे। लियाकत अली खान वित्त संभाल रहे थे। अब्दुल रब निस्तर ये डाक एवं वायु, असफ अली रेलवे परिवहन, सी राजा गोपालचारी शिक्षा और कला, आई आई सुंदरीगढ़ ये वाणिज्य देख रहे थे, गजनफर अली खान ये स्वास्थ्य और जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि। दिल्ली में संविधान सभा की बैठक, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1941 को हुई। इसमें 389 सदस्य, 292 राज्य के प्रतिनिधि, रियासतों के 93, दिल्ली के मुख्य आयुक्त प्रांत के 4, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान थे। कांग्रेस ने 208 सीटें और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश ने
घोषित किया कि संविधान सभा में मुस्लिम बहुल क्षेत्र पर लिए गए फैसले मान्य नहीं होंगे। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। 19 दिसंबर 1946 को, 9 सितंबर 1944 को संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उद्देशिका प्रस्ताव तो 13 दिसंबर 1947 को लाया गया और 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। इसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और स्वायत्त इकाइयों, अल्पसंख्यक सुरक्षा उपायों और सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के साथ एक स्वतंत्र गणराज्य के आदर्शों को प्रदर्शित किया गया था। कांग्रेस की प्रतिक्रिया, सत्ता हस्तांतरण करने के लिए एक से अधिक केंद्रों को स्वीकार किया और कांग्रेस को एक संविधान बनाने की अनुमति दी। इटली का घोषणा पत्र 1947 में आता है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने अपने बयान में सत्ता हस्तांतरण के लिए 30 जून 1948 की सीमा तय की। सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा यदि संवैधानिक सभा पूरी तरह से तैयार नहीं होगी तो, यह कुछ क्षेत्रों में मौजूदा प्रांतीय सरकार को शक्तियां हस्तांतरित कर देगी। यदि मुस्लिम बहुल प्रांत संघ में शामिल नहीं होंगे, सत्ता का यह हस्तांतरण ब्रिटिश की शक्ति और दायित्व को प्रांतों के संदर्भ में समाप्त कर देगा। शक्तियों को उत्तरदायी राज्यों में स्वतः स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। लॉर्ड बाबेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए वायसराय बने। वे ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। मुस्लिम लीग ने इसके बाद नागरिक जन अवज्ञा का शुभारंभ किया। लॉर्ड बेबेल ने एक ब्रेक डाउन प्लान के तहत 31 मार्च 1948 तक कांग्रेस को भारत को पूर्ण रूप से छोड़ने का सुझाव दिया। अंग्रेजों को भारत को पूर्ण रूप से छोड़ने का सुझाव दिया 31 मार्च 1948 तक। बेबेल ब्रेक डाउन योजना, उन्होंने उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम के 6 मुस्लिम प्रांतों में ब्रिटिश सेना और अधिकारियों को वापस बुलाने की योजना बनाई। इनका कैबिनेट मिशन योजना द्वारा अतिक्रमण किया गया था। निश्चित तिथि निर्धारण की गई। बढ़ते संवैधानिक संकट को रोकने के लिए संबंधित पक्ष प्रमुख मुद्दों पर सहमति बन सके। भारतीयों को अंग्रेजों की ईमानदारी पर विश्वास दिलाने के लिए। फिर माउंट बेटन योजना आती है कब, 3 जून 1947 को। माउंट बेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय सिराजा गोपालाचारी थे। इन्हें एकीकरण के विकल्पों को ढूंढने के लिए भारत में भेजा गया था, लेकिन एम ए जिन्ना संप्रभु पाकिस्तान को लेकर अड़े थे। कांग्रेस ने जून में विभाजन के लिए सहमति दी। 3 जून को क्लीमेंट इटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी योजना बनाई गई। योजना क्या थी कि मुस्लिम बहुल जो बहुसंख्यक क्षेत्र यदि चाहें तो अपना अलग अधिराज बना सकते हैं। इनके लिए संविधान निर्मात्री सभा बैठक दो पृथक पृथक होगी। बंगाल और पंजाब की प्रांतीय विधानसभाएं दो पृथक पृथक भाग होंगे। NWFP और सिलहट में जनमत संग्रह द्वारा निश्चित किया जाएगा कि वे पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या नहीं। सिंध अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र था। विभाजन के मामले में 2 डोमिनियन और 2 संविधान सभाओं का गठन किया जाना था। चूंकि कांग्रेस ने एकीकृत भारत की मांग की, इसलिए उनकी सभी मांगें पूरी होनी थी। देसी रियासतों को आजाद रहने से इनकार किया गया। वे भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल हो सकते थे। बंगाल को कोई स्वतंत्रता नहीं। पाकिस्तान में हैदराबाद का प्रवेश निषेध था। सीमा विभाजन के मामले में सर रेडक्लिफ के तहत सीमा आयोग स्थापित किया गया। इस योजना को ब्रिटिश संसद में 26 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दी जाएगी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया, जिस पर 18 जुलाई 1947 को सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए। 15 अगस्त को भारत और 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया गया। प्रत्येक डोमिनियन को अधिनियम के क्रियान्वयन की देख रेख के लिए गवर्नर जनरल को रखना था। माउंटबेटन भारतीय क्षेत्र के लिए और एम ए जिन्ना पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल बने। विधानमंडलों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा डोमिनियन के लिए तथा मौजूदा विधानसभाओं को भंग करने के लिए संविधान सभा का उपयोग किया गया। जब तक नया संविधान नहीं अपनाया जाता, तब तक शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। प्रांतों का एकीकरण, तो राज्यों का एकीकरण 2 चरणों में किया गया। नेहरू ने अखिल
ऑल इंडिया स्टेट कॉन्फ्रेंस सत्रों की अध्यक्षता की। उन्होंने घोषणा की कि संविधान सभा में शामिल होने से इनकार करने वाले राज्यों को सत्तापूर्ण माना जाएगा। जुलाई 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नए राज्यों के विभाग का कार्यभार संभाला। चरणवन, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ को छोड़कर सभी राज्यों ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने रक्षा, संचार और विदेश मामलों पर केंद्र का स्वीकार किया अधिकार। राजनीतिक संरचना में कोई बदलाव नहीं, शक्तियां प्रदान की गई। चरण दो, राज्यों का नजदीकी प्रांत या नए क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, काठियावाड़ क्षेत्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में एकीकरण किया गया। प्रांतों में आंतरिक संवैधानिक परिवर्तन जो कुछ वर्षों के लिए अपनी पुरानी सीमाओं को बनाए रख सकते थे, जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कोचीन, कुछ राजाओं को गवर्नर राजप्रमुख बनाया गया, प्रिवी पर्स प्रदान किया गया। चलिए दोस्तों, भारत में ब्रिटिश नीतियों का सर्वेक्षण देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रशासनिक नीतियां, तो बांटो और राज करो की नीति, ये 1857 के विद्रोह के पश्चात मुसलमानों के लिए दमन की नीति अपनाई गई थी। क्षेत्र, प्रांत, जाति और धर्म के विरुद्ध एक दूसरे को उकसाने की नीति अपनाई गई थी। शिक्षित भारतीयों के प्रति द्वेष शिक्षित ब्रिटिश सरकार के लिए एक चुनौती थी। शिक्षा ब्रिटिश सरकार के लिए एक चुनौती थी। 1885 में INC के गठन के बाद शिक्षित भारतीयों के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण रवैया अपना लिया गया। जमींदारों के प्रति दृष्टिकोण, 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के अत्यंत प्रतिक्रियावादी समूह अर्थात भूमि स्वामियों और जमींदारों के प्रति शत्रुता का हाथ मित्रता का हाथ बढ़ाया। अवध राज्य के अधिकांश तालुकादारों को उनकी जमीनें लौटा दी गईं। सरकार ने जमींदारों और भूस्वामियों को भारतीयों का परंपरागत नेता कहा। सामाजिक सुधारों के प्रति दृष्टिकोण, तो भारत सरकार द्वारा सेना एवं नागरिक प्रशासन पर किए जा रहे भारी व्यय और विरोधों को कुचलने में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आधारभूत ढांचे इत्यादि जैसी सामाजिक सेवाएं उपेक्षित हो गईं। श्रमिक विधान, भारतीयों के कारखानों में कार्यरत भारत के कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं उनके लिए विधान बनाने की मांग की गई। ये मांग सर्वप्रथम भारत में नहीं बल्कि ब्रिटेन के लंकाशायर के कपड़ा कारखानों के मालिकों द्वारा उठाई गई। 1875 में श्रमिकों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। कारखाना अधिनियम 1881 से 1944 के बीच में, तो 1881 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में आता है। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने पर प्रतिबंध, माह में 4 दिन का अवकाश। फिर 1891 का कारखाना अधिनियम, लॉर्ड लैंसडाउन थे इस समय शासन, मतलब गवर्नर जनरल, सप्ताह में 1 दिन का अवकाश, 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध, कार्यावधि 11 घंटे प्रतिदिन निश्चित की गई। 1911 का कारखाना अधिनियम, लॉर्ड हार्डिंग्स के समय आया, तो पुरुष कार्यावधि 12 घंटे प्रति दिन निश्चित। 1982 का कारखाना अधिनियम, ये लॉर्ड रीडिंग के समय आता है, तो बच्चों की कार्य 7 घंटे प्रति दिन निश्चित। 12 से 15 वर्ष तक आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने की अनुमति। 1934 का कारखाना अधिनियम, लॉर्ड बिलिंगटन, श्रमिकों के लिए चिकित्सा एवं आराम की व्यवस्था, बच्चों के लिए 5 घंटे निश्चित। 1944 का कारखाना अधिनियम, लॉर्ड बेबेल, तो नियमित कारखानों में श्रमिकों की कार्यावधि 9 घंटे तथा कैंटीन की व्यवस्था की गई। प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में आता है। यह अधिनियम बाल श्रमिकों से संबंधित तथा 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर रोक लगाई जाए। बच्चों के लिए 1 दिन में काम करने के अवधि अधिकतम 9 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाल श्रमिकों को 1 माह में 4 दिन का अवकाश दिया जाए। खतरनाक मशीनों के चारों ओर बाड़ लगाई जाए। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1898 बच्चों के काम करने के लिए न्यूनतम आयु 7 से 12 वर्ष से बढ़ाकर 9 से 14 वर्ष कर दी जाए। बच्चों के लिए काम करने के घंटों को घटाकर 7 घंटे प्रतिदिन कर दिया जाए। फिर सभी के लिए साप्ताहिक अवकाश हो। महिलाओं के लिए काम करने का समय 11 घंटे कर दिया जाए, इसमें 1 घंटे का मध्यावकाश निश्चित किया गया। पुरुषों के लिए काम के घंटे अभी भी निश्चित रहे। इन नियमों को अंग्रेजों के स्वामित्व वाले चाय और कहवा कॉफी
बगानों में लागू नहीं किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तो 1878 में भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम बर्नाकुला प्रेस एक्ट को पारित किया गया। स्वदेशी एवं बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय 1908 से 10 के मध्य प्रेस पर अनेक प्रतिबंध लागू किए गए। रंग भेद की नीति। तो अंग्रेजों ने नागरिक प्रशासन पर तथा सेना के साथ साथ रेल के डिब्बों, पार्कों, होटलों और क्लबों इत्यादि में भी रंग भेद की नीति को लागू किया। भारत में अंग्रेजों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति। नए विचारों की विशेषता। तर्कवाद, मानवतावाद, धर्म का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है, फिर विचारों के नए प्रवाह से प्रशासकों के मध्य टकराव। रूढ़िवादी, बारिन हेसजिंग, एडमंड बर्क, मुंडो, एल्फस्टीन, मेटकाफ, मेटकाफ के मतानुसार भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से भिन्न है, लेकिन उससे निम्न नहीं है। इसमें अत्यल्प परिवर्तनों की वकालत की। इसके अनुसार सामाजिक स्वामित्व का, सामाजिक स्थायित्व का होना आवश्यक है। फिर संरक्षणवादी, साम्राज्यवादी, इन्होंने भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक दासता को उचित माना। मौलिकतावादी और साम्राज्यवादी हित की व्यापक सीमाओं के छत्र छाया में भारत और भारतीयों के आधुनिकीकरण में विश्वास किया। भारतीय पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बीएम मालावारी जैसे आदि समाज सुधारकों ने समाज बुराइयों के विरुद्ध कानून के माध्यम से भारतीय समाज में सुधार के लिए काम किया। फिर चयनात्मक आधुनिकीकरण, ईसाई मिशनरियों की भूमिका और ब्रिटिश निर्वतन, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। विदेशी नीतियाँ। तो ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा एवं उसके हितों के संरक्षण हेतु प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं को लांघने का निर्णय। अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंदियों जैसे फ्रांस रूस को दूर रखना। ब्रिटेन के आर्थिक एवं व्यापारिक हितों को प्रोत्साहित करना। भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। तो ब्रिटिश सत्ता भारतीय रियासतों के बीच संबंधों के संदर्भ में सर्वोच्च सत्ता यानी पैरामाउंटसी शब्द का प्रयोग करती थी। ब्रिटिश सत्ता द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई नीति को, नीति की जानकारी के एम पन्नीकर की पुस्तक ब्रिटिश पॉलिसी टुवार्ड्स इंडियन स्टेट एवं लीव बर्नर की पुस्तक नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया से प्राप्त होती है। फिर 18वीं सदी के मध्य से लेकर अंग्रेजों के भारत छोड़ने तक इन संबंधों का निम्न अवस्थाओं के रूप में अध्ययन किया जाता है। कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों के बराबर दर्जा देने के लिए संघर्ष करना कब से, 1740 से 1765 तक। रिंग फेंस की नीति, ये 1765 से 1813 तक वारन हेस्टिंग के समय आई थी। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय आई थी 1813 से 1857 तक। फिर अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 तक लॉर्ड कैनिंग के मास्टरली इनएक्टिविटी यानी अकर्मण्यता की नीति जॉन लॉरेंस के समय आई थी। बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 तक। तो ये रहा। फिर 1857 के बाद विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया था। 1876 में संप्रभुता का अंत, रानी विक्टोरिया की घोषणा। ब्रिटिश सरकार ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के अधिकार द्वारा अपनी सर्वोच्च श्रेष्ठता की नीति को कायम रखा। चलिए अब ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसको पढ़ते हैं। तो औपनिवेशिक शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक और क्रियाशील परिवर्तन किए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के तहत किया जा सकता है। बी, औद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आधुनिक औद्योगिकरण की दिशा में कोई प्रयास नहीं। यूरोप की तरह औद्योगिकरण के बजाय भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ रुख किया गया। रेलवे की मदद से देश के हर कोने में सस्ते यूरोपीय माल की बाढ़ आ गई। एक तरफा मुक्त व्यापार। तो भारतीय माल पर यूरोप में भारी कर लगाया जाता था और भारतीय अर्थव्यवस्था नेट निर्यातक से नेट आयातक में तब्दील हो गई। फिर रिवर्स अर्बनाइजेशन, अधोमुखी शहरीकरण। तो बेरोजगार जिन्होंने भारतीय शासन के कारण अपने संरक्षक खो दिए, दमनकारी नीतियों तथा शहरी केंद्रों में भारत की कमी के कारण कृषि में संलग्न हो गए। कारीगरों और हस्तशिल्पियों की बर्बादी। भारतीय उद्योग के हास पर विलियम बेंटिंग ने कहा था कि इस व्यापार की दुर्दशा का इतिहास में कोई जोड़ नहीं। भारतीय बुनकरों की हस्तियां मैदानों में बिखरी हैं।
बिचौलियों का उदय और किसानों की दरिद्रता। तो उन बिचौलियों का उत्थान हुआ जिनका जमीन से कोई पारंपरिक संबंध नहीं था। पारंपरिक जमींदार जो भूमि को एक संसाधन मानते थे कि अनुपस्थिति, बड़े हिस्से में स्थायी बंदोबस्त, रैयत बाड़ी और महलवाड़ी प्रणाली का प्रभाव, भूमि के हस्तांतरण से किरायेदारों में असुरक्षा पैदा हुई, जमींदारों की शक्तियां बढ़ गईं, जैसे अवैध बकाया, बेगार आदि। भूमि की उत्पादकता में सुधार के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण, अकाल, बाढ़ आदि के कारण अनिश्चित उत्पादकता, किसानों को सरकार, जमींदारों और साहूकारों के हाथों नुकसान उठाना पड़ा। फिर 1850 से 1900 के बीच करोड़ों लोग अकाल में मारे गए। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों के कारण और भोजन की कमी के कारण किसानों में गरीबी बढ़ती चली गई। भारतीय कृषि का हाथ एवं वाणिज्यकरण, तो ये कमर्शलाइजेशन है। तो मुद्रा अर्थव्यवस्था, एकीकरण राष्ट्रीय बाजार। एकीकरण राष्ट्रीय बाजार का उद्भव बाह्य आंतरिक व्यापार जैसी शक्तियों द्वारा प्रेरित। कृषि का व्यवसायीकरण स्वाभाविक नहीं था, बल्कि किसानों पर जबरदस्ती थोपी गई प्रक्रिया थी। कीमतों में बढ़ोतरी से बिचौलियों को फायदा हुआ, जबकि कीमतों में गिरावट से किसानों पर प्रतिकूल असर डाला। जमींदार और सरकार इच्छा शक्ति में कमी के साथ साथ किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना। कपास, जूट, मूंगफली, तिलहन, तंबाकू, गन्ना, मसालों, फलों, सब्जियों, चाय, कॉफी, इंडिगो, रबड़ आदि की व्यावसायिक फसलें खपत के उद्देश्य से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए उगाई जाती थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व व्यवस्था। तो इजारेदारी प्रथा थी 1772 में, इसे वारन हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया था। इजारेदारी प्रथा, इसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को 5 वर्ष के लिए भूमि पर पट्टा दे दिया जाता था। 1777 में पट्टे की अवधि को घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया। फिर स्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी बंदोबस्त, स्तंभरारी, ये 1793 में आता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, संयुक्त प्रांत, उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। फिर भारत के 19% हिस्से पर ये लागू की गई। जमींदारों का एक नया वर्ग नियुक्त किया गया, जो अंग्रेजों को राजस्व का 10/11 हिस्सा प्रदान करता था तथा शेष हिस्सा अपने पास रख लेता था। रैयत बाड़ी व्यवस्था 1820 में आती है, तो थॉमस मुनरो और एलेक्जेंडर रीड द्वारा शुरू की गई। तमिलनाडु के 12 महल जिले में शुरू हुई और बाद में बॉम्बे, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, कर्नाटक के कुछ हिस्सों और मद्रास में लागू कर दी गई। भारत के 51% हिस्सों पर लागू की गई। रैयत किसानों को भूमि पर स्वामित्व और अन्य अधिकार, और उन्हें सरकार को सीधे राजस्व का भुगतान करना पड़ा। उच्च कर और सख्त वसूली की गई। महलवाड़ी व्यवस्था ये 1882 में आती है, तो इस व्यवस्था के जनक हाल्ट मैकेंजी थे। यह व्यवस्था 2 स्तरीय थी, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब में। भारत को 30% हिस्से पर लागू की गई। राजस्व संग्रह की इकाई गांव या महल थी। गांव की भूमि समुदाय की थी और भूमि के राजस्व का भुगतान करना पूरे समुदाय की जिम्मेदारी थी। पारंपरिक उद्योगों का विनाश। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि अंग्रेजी तकनीक ने हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश कर दिया। भारत में उद्योग एवं दस्तकारियों के नष्ट होने के प्रमुख कारण थे क्या? भारत में भारतीयों की अपेक्षा इंग्लैंड के नागरिकों को ब्रिटिश सरकार द्वारा तरजीह देना, भारतीय कारीगरों को अग्रिम भुगतान देना और जबरन काम करवाना, अंग्रेजों से आयात निर्यात चुंगी तथा अन्य कर लगाकर भारतीय व्यापारियों के साथ भारतीय व्यापारिक उद्योग एवं दस्तकारी का विनाश कर दिया गया। देशी कारीगरों के ऊपर से देशी राजाओं का संरक्षण समाप्त होना, भुगतान प्रणाली, तो ब्रिटिश ने भारतीय कपड़ा उद्योग को पाउंड के बजाय बंगाल के अर्जित राजस्व से भुगतान किया। जहाजरानी उद्योग, 1813 और 14 में पारित कानून अंग्रेजों के अलावा अन्य जहाजों को तट के किनारे खड़े होने से रोकते थे। इस्पात उद्योग, तो भारतीय इस्पात फर्मों को स्टील के उच्च ग्रेड का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया गया, तथा लोकप्रिय मार्ग से कम था। भारत से इंग्लैंड में इस्पात का आयात निषिद्ध किया जाना। फिर ढांचागत संरचनात्मक विकास। कोर, भारी उद्योगों और बिजली उद्योगों की अपेक्षा तकनीकी शिक्षा और क्षेत्रीय विषमताओं का अभाव। 19वीं सदी को उत्तरार्ध मशीन आधारित उद्योग भारत में आए। 1853 में बॉम्बे में काप सजी डाबर द्वारा स्थापित पहले सूती कपड़ा मिल। 1855 में बंगाल में रिसरा में पहली जूट मिल। भारतीय उद्योगों की समस्याएं क्या थी? सरकार द्वारा कोई टैरिफ
सुरक्षा नहीं, विदेशी कंपनियों से असमान प्रतिस्पर्धा, बेहतर तकनीक एवं वित्तीय बुनियादी ढांचे से युक्त ब्रिटिश पूंजीवादी द्वारा कड़ा विरोध। फिर उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीयकृत आलोचना। सरकारी खर्च पूरी तरह से ब्रिटिश पूंजीपतियों के हितों को बढ़ावा देने और लोगों के कल्याण को नजरअंदाज करने के लिए था। इसने एक तरफा मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित किया और दूसरी तरफ टैरिफ नीति को आरोपित किया। हालांकि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने आधुनिकीकरण और विकास के बहाने ब्रिटिश शासन का पक्ष लिया, लेकिन बाद में रेलवे और विदेशी व्यापार से प्रेरित विकास के खिलाफ तर्क दिया। उन्होंने बताया कि भारत में विकास ब्रिटिश उद्योग के लिए एक सब्सिडी की तरह है। जेबी जोशी ने ऐसा कहा। फिर कच्चे माल, खाद्य पदार्थों और ब्रिटिश निवेश के एक क्षेत्र के आपूर्तिकर्ता होने के लिए तैयार माल का शुद्ध निर्यातक होने से भारतीय अर्थव्यवस्था का रूपांतरण किया गया। भारत की गरीबी पूरी तरह से मानव प्रेरित या जनित थी। भारतीय औद्योगिकरण पूरी तरह से भारतीय पूंजी पर आधारित था, न कि विदेशी पूंजी पर। दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आर सी दत्ता ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास, भारत की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद GDP का आधा हिस्सा हर वर्ष अंग्रेजों की ओर प्रवाहित हो रहा था। ब्रिटिश शासन के समय भारतीय अर्थव्यवस्था 17वीं शताब्दी में भारत विश्व में औद्योगिक वस्तुओं की को सबसे बड़ा उत्पादक था। यहाँ से मुख्यतः सूती और रेशमी वस्त्रों, मसालों, नील, अफीम, चीनी, औषधियों एवं दस्तकारी वस्तुओं को निर्यात किया जाता था। फिर क्या हुआ? इस निर्यात के बदले यूरोपीय लोग सोना चांदी से भुगतान करते थे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल के मालिक बन गए, भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क था, बल्कि यह बिल्कुल ही नहीं लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आर्थिक नीतियों के तीन चरण थे। वाणिज्यिक चरण यानी मर्केंटाइल फेज फिर 1757 से 1813 तक रहा। औद्योगिक मुक्ति व्यापार तो ये फ्री ट्रेड का लेसर फेयर नीति थी उसका था। टाइम 1813 से 1858 तक वित्तीय पूंजीवाद यानी फाइनेंशियल कैपिटलिज्म 1860 के बाद चलता है। धन के निकास से तात्पर्य भारत से इंग्लैंड जाने वाले उस धन से था, जिसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक एवं व्यापारिक प्रतिफल नहीं मिलता था। प्लासी के युद्ध के पश्चात कई स्रोतों से धन निकास होने लगा, जैसे बंगाल का भू राजस्व अधिशेष, व्यापार पर एकाधिकार, कंपनी के अधिकारों को बंगाल एवं भारतीय शासकों से मिलने पर वाली मोटी भेंट आदि। फिर भारत से धन बहिर्गमन का एक महत्वपूर्ण घटक था गृह व्यय, होम चार्जेस, कि धन बहिर्गमन की सबसे बड़ी मद थी। अर्थात लंदन में अवस्थित भारतीय कार्यालयों को चलाने के लिए भारत से ही धन जाता था। भारत निधि का उपयोग, भारत में कार्यरत ब्रिटिश कर्मियों के वेतन और पेंशन का भुगतान करने में किया जाता था। ऋण और रेलवे जैसे पूंजी निवेशों पर कब्जा। तो भारत के निकास ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपने लेख इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया में दिया। दादा भाई नौरोजी ने कुछ अन्य लेखों में धन निकासन की व्याख्या की। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867, द बॉन्ड्स एंड मीन्स रूल इन इंडिया 1870, द बॉन्ड्स एंड मीन्स रूल इन इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी। दादा भाई नौरोजी ने उत्तरदायित्व के पदों पर भारतीयों को नियुक्ति न करने की नीति को नैतिक निकास की संज्ञा दी। फिर महादेव गोविंद रनाडे ने भी 1872 में धन निकासी की आलोचना की। धन संपत्ति के विदोहन को लेकर बेल्बी आयोग का गठन किया गया। अर्थशास्त्री रमेश चंद्र दत्त ने 1909 में निहारसी दत्त ने 1901 में अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निकासन का उल्लेख किया। दत्त ने धन के निकासन में एक बहते हुए घाव की तरह धन के निकासन को एक बहते हुए घाव की तरह बताया। धन का निकासन तो भारतीय राजस्व का ब्रिटेन में प्रयोग
कर्मचारियों को वेतन भत्ते पेंशन देना, दादा भाई नौरोजी द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन, मत की दृष्टि, जान साल्विन का कथन, हमारी व्यवस्था उस स्पंज की तरह है जो गंगा के तट की सभी वस्तुओं को सोख कर टेम्स नदी के तट पर उड़ेल देती है, परिणाम निर्धनता में वृद्धि। आर्थिक निकास का अनुमान, तो अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग अनुमान लगाया। दादा भाई नौरोजी प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे। दादा भाई के अनुसार 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन BK RB राव ने किया। इनके अनुसार 1931-32 में प्रति व्यक्ति आय 72 रुपए थी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार अंग्रेजी राज के प्रारंभ से यानी 1865 से 66 ईस्वी तक समस्त निकास 150 करोड़ पाउंड था। 1901 में आर्थिक दत्त ने 2 करोड़ 20 लाख पाउंड प्रतिवर्ष का निकासन का अनुमान लगाया। आर्थिक निकास से देश में पूंजी एकत्र नहीं हो सकी, जिससे भारत का औद्योगिकरण अवरुद्ध हो गया, जबकि भारतीय धन से इंग्लैंड में औद्योगिक विकास बढ़ा। 1833 ईस्वी के बाद अधिकांश निकासी भारत में ब्रिटिश पूंजी के निवेश से ही थी। फिर कामगार वर्ग का आंदोलन, तो भारतीय कामगार वर्ग की समस्याएं, तो ये कम मजदूरी, बाल श्रम, अस्वच्छता, खतरनाक स्थितियों में काम करना, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों से कोई समर्थन नहीं, भारतीय विदेशी सरकार और स्थानीय पूंजीपतियों द्वारा दोहरा दोहरा शोषण, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, लंबे समय तक काम करना आदि भारतीय कामगार वर्ग की समस्याएं थीं। श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए किए गए प्रयास। 1870 में शशि पदा बनर्जी ने कामगार क्लब और समाचार पत्र भारत श्रमजीवी शुरू किया। 1878 में सोराबजी सपूरजी बंगाले ने मजदूरों के लिए बंबई विधानसभा में बिल पास कराने के प्रयास किए। 1880 में नारायण मेघजी लोखंडे ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन और समाचार पत्र दीन बंधु की शुरुआत की। 1899 में ग्रेट भारतीय प्रायद्वीप रेलवे हड़ताल को तिलक की केसरी और मराठा द्वारा समर्थन मिला। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, प्रथम सचिव दीवान चमन लाल। फिर 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट आता है, 1926 का, द्वारा हड़तालों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। ट्रेड यूनियनों को कानूनी संघ के रूप में संगठित किया। व्यापार संघों को उनके वैध कार्यों के लिए सिविल और आपराधिक मामलों में प्रतिरक्षा प्रदान की गई। 1928 बीबी गिरी के नेतृत्व में बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स में 6 महीने की लंबी हड़ताल की गई। विभिन्न कम्युनिस्ट जैसे डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि के एक साथ आने से औद्योगिक क्षेत्र में शांति देखी गई। 1929, तो ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट एक्ट 1929, इसे मजदूरों की गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था। न्यायालयों की जांच और परामर्श बोर्डों की नियुक्ति अनिवार्य की गई। सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे रेलवे, पानी, बिजली पर की गई हड़ताल को अवैध घोषित किया गया। जबरदस्ती विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रकृति की व्यापार संघ गतिविधि की सलाह की मनाही। 1929 में मेरठ संयंत्र केस की 3.5 वर्ष की सुनवाई के बाद 31 श्रमिक नेताओं मुजफ्फर अहमद, एसए डांगे, जोग केलकर, फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडली, शौकत उस्मानी आदि की गिरफ्तारी कर दी गई। फिर 1931 में AITUC का विभाजन हुआ। NM जोशी जैसे कारपोरेट वादियों के नेतृत्व में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन हुआ। 1937 में 1937 के चुनावों के दौरान AITUC ने कांग्रेस का समर्थन किया। कांग्रेसी मंत्रालय श्रमिकों के कारण सहानुभूति रखता था। कांग्रेस मंत्रालय श्रमिकों के कारण सहानुभूति रखता था। 1938 से 1945 श्रमिक द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुए और युद्ध में रूस के शामिल होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन से अलग हो गए।